तो जी यहाँ पे हम लोगों की सुबह हो चुकी है और यहाँ चाय बन रही है और इधर बाबा न्यूज़ देख रहे हैं। आप लोगों में से किस किस के बाबा सुबह न्यूज़ देखने से शुरुआत करते हैं दिन की? और यहाँ पर नाश्ता दे रहे हैं, बाकर खानी चाय, बाकर खानी नाश्ता है बाबा का। बाबा के ऑफिस जाते हैं बाबा ये खा के जाते हैं चाय बाकर खानी। वैसे बाबा को जो भी देते हैं बाबा खा लेते हैं ऑफिस जाते हुए। तो ये बाबा ने नाश्ता कर रहे हैं और ये मिठाई लेते हुए हैं, इधर खेल रहे हैं। और ये सुबह सुबह उठ जाता है माशाल्लाह से। और ये मम्मा बाबा को, ये मम्मा ने वीडियो बनाई है, बाद में मैंने आवाज़ एडिट कर दी। और ये बाबा ऑफिस जा रहे हैं, तो अल्लाह हाफिज़ बाबा, खैर से जाएं, खैर से आएं। तो ये बाबा जा रहे हैं ऑफिस। A few inches later. वेलकम बैक टू माँ बेटी के पकवान। एक नई किरण नई मीन आए देखे साथ मैं शायद मीन एक बार फिर आपका माँ बेटी के पकवान में इस्तकबाल करती हूँ। तो जी वो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था वो था पापा का नाश्ता, ये है हमारा नाश्ता। और अब हम नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ते में आज हमारे पास है ऑमलेट, चाय, मम्मा का पराठा और घर का मक्खन दोस्तों और ब्रेड। वालेकुम अस्सलाम मम्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी। और आपको पता है वो जो मैंने कल की या परसों की वीडियो में जो मैंने भिंडी कीमा दिया था, वो जब मैं बना रही थी तो मम्मा कह रही थी मुझे तो लग रहा है अदा ने ख़राब कर दिया, अदा से सही नहीं बना ये। मगर जब वो मम्मा ने खाया ना, मम्मा रात में आई मेरे पास, अदा रोटी बना दो थोड़ी सी, ज़रा भूख लग रही है। वो शेयर भी करा रात में खाना खाते हुए और बहुत मज़ेदार भिंडी बनी थी। जबकि बनाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था अदा ने खच मार दिया थोड़ी सी भिंडी में। नहीं मारी, लेकिन नहीं मारी थी, मज़ेदार थी, मजेदार। और अदा जी आज तो आपने पापा की भी सुबह की रूटीन शेयर करी, वो है। तो आपने करी है। हाँ, अदा सो रही थी और इनके बाबा जा रहे थे, मैंने कहा चले आज आपसे सुबह की रूटीन भी शेयर करें। हाँ। कि सुबह सुबह क्या होता है, क्या होता है हमारे। तो फिर अब हम नाश्ता करते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं, जो बाकी का रूटीन होती है वो साथ में शेयर करते हैं। उससे पहले आप एक क्लिप देख लीजिए, जो कि वो क्लिप है कि हम लोग मिकाइल को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे वैक्सीन लगाने के लिए, तो उधर मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया था। ये बात परसों की है मगर मैंने तब अपलोड नहीं किया, तो आज के ब्लॉग में हम अपलोड कर देते हैं। और ये वही हॉस्पिटल है जिधर मिकाइल हुए थे और वही ऑपरेशन थिएटर अदा ने दिखाया है। हाँ जी, अंदर गई थी तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगी, सही है? अब आप वो देख कर आए तो चले। तो जी हम आप लोग ये वाला क्लिप देख रहे हैं और ये हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हम क्यों जा रहे हैं? हम हॉस्पिटल इससे जा रहे हैं क्योंकि मिकाइल को हमने वैक्सीन लगवानी थी। तो मैं, मम्मा, बाबा, मिकाइल, हम चारों जा रहे थे हॉस्पिटल। और अब हम लोग जा रहे थे लिफ्ट के पास, तब हम लोग लिफ्ट से, बल्कि लिफ्ट के पास नहीं, गाड़ी के पास, सॉरी मिस्टेक हो गई, गलती से हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो देखिए जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे बाहर, और ये देखें यहाँ पर से आप लोग आगे जाएंगे तो ये हेलीकॉप्टर वाली टैंकी है। हेलीकॉप्टर वाली टैंकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओह माय गॉड, और ये बादल, बादल तो इतने अच्छे बादल थे इधर, इतने प्यारे लग रहे थे ये बादल। कराची के बादल तो वाकई में बहुत प्यारे होते हैं, और जो जो कराची में होंगे ना वो मेरी इस बात से एग्री भी ज़रूर करेंगे कि कराची में जो बादल आते हैं ना उनकी हवा बहुत अच्छी होती है भाई। तो जी अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हॉस्पिटल, और ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ पहले। और ये फानूस की शॉप आई थी, फानूस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मैं फानूस वगैरह कभी किसी ने खरीदने होंगे तो इधर आ जाइएगा आप लोग खरीदने के लिए, तो बहुत अच्छा अच्छा फानूस है वैसे इधर। तो अब हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, और ये देखिए जी ये गली आ गई मिकाइल के हॉस्पिटल की, बल्कि मेरी भी हॉस्पिटल की, क्योंकि इधर ही मिकाइल हुए थे जिस हॉस्पिटल में अभी हम जा रहे हैं मिकाइल को लेके। और ये देखिए अभी बिल्डिंग तो मैंने वैसे आपको इस सी व्यू वाले ब्लॉग में भी दिखाई हुई है, बट मैंने आपको एक बार फिर दिखा दी। और ये अब हम लोग आ गए हैं जी हॉस्पिटल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। जिस दिन जब मैं इधर गई थी ना तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एक खुशी वाला भी माहौल था और एक दर्द वाला भी माहौल था। दर्द वाला माहौल इसलिए था क्योंकि इधर वाले मुझे जब इस हॉस्पिटल में लाए थे तो मैं एक बहुत ज़्यादा मतलब दर्द वाली फीलिंग की थी, एक डर वाली फीलिंग थी कि मुझे अब क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। और खुशी वाली फीलिंग ऐसी थी कि मैं इस हॉस्पिटल से जब जा रही थी तो मेरे साथ एक नन्हा सा क्यूट सा मेहमान था मेरे साथ, एक क्यूट सा बेबी था मेरे साथ, इस वजह से खुशी वाली भी फीलिंग थी, डर वाली भी फीलिंग थी। तो जी देखें अब आप लोग, यहाँ पर एक अदद मस्जिद भी थी हमारे हॉस्पिटल में, मस्जिद भी, और ये बहुत अच्छी मस्जिद है। जब मैं इधर एडमिट हुई हुई थी ना तो इस मस्जिद से जब आवाज़ें आ रही थी ना अजानों की, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी कानों को सुनने में। और जब मैं एडमिट थी तब मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी अजानों की आवाज़। तो अब हम लोग इतना ही, अब आप लोग आगे की वीडियो एंजॉय कीजिए।
आप लोगों को वो अलग क्लिप कैसा लगा? आप लोगों ने जो हॉस्पिटल का देखा तो ठीक है, वो अब आप लोगों ने देख लिया और अब हम लोग चलते हैं वापस अपनी हंडिया की तरफ नहीं, अपने ब्लॉक की तरफ आज के। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज ले ली, प्याज को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे इसको गोल्डन कर लूँगी और फिर निकाल लूँगी। और इधर मैंने देखिए एक पेस्ट बना लिया, ये पेस्ट किस चीज़ का? ये पेस्ट है लहसुन अदरक और प्याज का, जैसे कल हमने फुलकियों के सालन में डाला था ना लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट, वैसा ही सेम इधर भी बना लिया है मैंने। तो मम्मा, आपने इसमें क्या डाला? दूर से वादरी, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ उससे पहले रुके। ये देखें जी, ये क्या है मम्मा? ये पिसा हुआ धनिया है। ये देख रहे हैं आप क्या चल रहा है इसमें? और ये देखें मुसलसल चल रहा है, ये देखें। ये हमने मंगवाया बाजार से, देखें कितनी गंदगी है बाजार में कि आंखें बंद करके दे देते हैं एक्सपायर मसाले। ये पिसा हुआ धनिया हमने बाजार से मंगवाया तो ये इस तरह मिला। वो तो डालने से पहले मेरी एक आदत है कि मैं मसाले चेक करके डालती हूँ, देखें किस तरह। देखें रुका है हल्का सा शॉपर, तो फौरन अंदर से देखें कितनी सारी निकल के रखे हैं, 7-8। हाँ अंदर भी अभी कितनी ढेर होंगी। चलो हटा दो फ्रारी आ रही है। तो इसलिए अम्मा ये कर रही है, घर में मम्मा साबुत धनिए को कूट रही है। बिल्कुल, मेरे मसालेदानी खराब हुई है। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे कल परसों में और वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए मुझे हाथ से कूटना पड़ रहा है ये साबुत गर्म वो धनिया पाउडर। साबुत धनिया, ये धनिया पाउडर तो नहीं जाहिर है इसका बनेगा, लेकिन कुटा कुटा सा तो हो गया। मम्मा मैं कूट के देती हूँ आपको, प्यारा सा पाउडर बना के देती हूँ। चलो अदा, आज हम वैसे बना क्या रहे हैं? अचानक से आपने छापा मार दिया। बिल्कुल, आज मैं बना रही थी आलू गोश्त। बना मैं रही थी, फिर बीच में प्लान कैंसिल हो गया, मम्मा बना के लग गई। बिल्कुल, फिर अदा मेरे से नाराज होकर चली गई, फिर वापस आ गई खुद ही, फिर आ गई। मैं इतनी वापस आई हूँ कि मैं अपनी वीडियो बना रही थी। हाँ वीडियो बना, मेरे लोगों ने फिर मम्मा बेटी को फिर दोस्ती बना ली। दोस्त बना दिया, अल्लाह ना करे ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती बिल्कुल भी। मम्मा आपका मुक्का कैमरे को लग गया। ओहो मुक्का, अल्लाह ना करे। तो यहाँ पे धनिया पिस रहा है और इसमें हमने क्या क्या डाला था हमने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। मैंने वैसे इनको वो दिखाया था, वो जो हमने मसाला पीस के रखा था ना इसमें। ये देखो अदा, ये इतना ही कूटा है बस। सही, मैं कह रही थी मैं कूट के दे देती हूँ। अच्छा अदा देखो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा है, चिकन को फ्राई कर लिया है। तो इसके बाद मैंने उसमें जिसमें आपने प्याज फ्राई करी थी ना, तो उसी में मैंने चिकन फ्राई कर लिया है। और चिकन फ्राई करके मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, ठीक है। और इसमें तेज पात डाला है। अम्मा मैंने इनको वो पेस्ट दिखा दिया था, वो जो आपने मुझे बनाने को कहा था ना प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैंने दिखा दिया। सही है सही है, वो मैंने इसमें डाल दिया। जब ये चिकन फ्राई हो गया हमारा गोल्डन हो गया, उसमें मैंने ये पेस्ट डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको गोल्डन करा पेस्ट ने, पानी जब खत्म कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डालना है। लेकिन आपको पता है मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरह करके डाल दिया, ठीक है, कूट के डाल दिया। लेकिन पिसा हुआ डालेंगे तो उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये आलू गोश है और खुशबू बहुत मजे की आ रही है मम्मा, अभी से ही। और ये मेरी फरमाइश पे बन रहा है आज आलू। हाँ जी, आज आलू गोश अदा की फरमाइश पे बन रहा है। इसका जरा सा पानी खुश्क होगा और मसाला भुनेगा, उसके बाद बताऊंगी अदा मैंने क्या करना, उससे पहले क्यों बताऊँ मैं आपको। सही, तो देखें जी, हमें मम्मा ने प्याज को पानी में ग्राइंड कर लिया है मम्मा। ये भी एक नुस्खा है अदा, आप मेरे से पूछ रही थी मम्मा, आगे 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 नुस्खा नुस्खा चलो। हाँ। जो भी है भाई, जो भी है ये वही है, वही है ये। और दही इधर रखा हुआ है आप, मम्मा आपने अलग से क्यों रखा है दही को? क्या आप इसका चीनी वाला दही बना रही हूँ? क्या आप इसका चीनी वाला दही बना के खाना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, नो बेबी नो, बताती हूँ। आप मेरे से आगे आगे क्यों चल रही हो, मेरे पीछे ही रहो, बहुत फायदे में रहोगी। ओके ओके, तो यहाँ पर दही है, वहाँ पे प्याज को मैंने पानी में ग्राइंड कर लिया, यहाँ पे चिकन पक रहा है और जो जो होता रहता है वो आपको बताते रहते हैं। तो जी अम्मा ये क्या मसाले? ये मैं आपको बता दूं, मसालेदानी खराब हो गई हमारी। हाँ। तो जब तक नहीं आ रहा हमें हाथ से कूटना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने लिया है दालचीनी। आलू गोश में गरम मसाला ना हो तो आलू गोश अधूरा है बिल्कुल। ये बड़े इलायची के दाने हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना मम्मा, देखिए। थोड़ा सा ऊपर कर लो बेटा। ओके, तो ये बड़ी इलायची के दाने हैं बेटा, ये हमने एक बड़ी इलायची लिया, उसके दाने निकाल लिए। ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने चटुवट्टे में कूटना है, तो थोड़ा सा कूटूंगी तो सही लेकिन कूटा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने दाने निकाल लिए। सब्ज इलायची ली है, उसके दो भी दाने निकाल, उसके भी मैंने दाने निकाल लिए, तो दाने निकल गए। हाँ, दो सब्ज इलायची ली है और एक बड़ी इलायची लिया, सही, ठीक है ना। दो लौंगे लिए, एक बादियान का जीरा नहीं छोटा सा, वो मैं आपको साथ ही डाल के दिखाता हूं। तो ये देखिए, जिसमें हमने साबुत धनिया कूटा था, इसमें हमने ये सारे मसाले डाल दिए बिल्कुल। और हमारे पास आता है ये कूटी हुई काली मिर्चें हैं, तो ये मैं थोड़ी सी दरदरी कूटी हुई है, ये इसमें काली मिर्चें भी ऐड कर देती हूं। सही, अब हम इसमें जीरा थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा, तो अब हम इसको कूट लेंगे अच्छे से। कूट लेंगे जी,
तो जी इधर मसाला जो है वो भून गया है और आधा इसमें हम अब क्या करेंगे दही डालेंगे। मैंने आपके हाथ से देखा है तो इसमें हम दही डाल देंगे। ये दही आधा कप है। हाँ जी तकरीबन आधा कप। सही। ये आधा किलो का हम बना रहे हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा। आधा किलो गोश्त का। हाँ जी चिकन का। सॉरी चिकन। ठीक है, इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लें। तो जी दही डालने के बाद इसकी शक्ल ऐसी होगी। दही को मैंने अच्छे से फेटा था जिसकी वजह से इसमें वो नहीं आया, दही फटा नहीं जाते है ना माँ। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से। सही। ये देखें जी यहाँ पर जो है क्या हो गया मम्मा, दही डाल दिया है। हाँ जी बिल्कुल दही डाल दिया। ये अब हम प्याज डाल रहे हैं। और वाह प्याज इतनी गाढ़ी गाढ़ी है। हाँ बिल्कुल, पानी में ना मैंने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करा था। सही सही है। तो हम ये प्याज डाल रहे हैं थोड़ा सा। तो ये प्याज डाल रहे हैं इसमें हम फ्राई हुई भी प्याज को पानी में हल्का सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डाला कि फिर भुनाई करते रहो और आपको पता चिकन है, चिकन फटाफट गल जाएगा। सही। और आलू हमने अदा थोड़े से बॉइल कर लिए। हाँ बिल्कुल, एक कनी पे हमने आलूओं को छोड़ दिया। एक कनी चावलों की होती है वैसे, हमने आलू को यानी कि थोड़ा सा कच्चा पक्का करके सही छोड़ दिया। ठीक है, अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे। बिल्कुल इसकी भुनाई कर लेंगे ज़रा अच्छे से। तो जी जनाब ये देखें, ये बुनाई हो रही है, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू बहुत आला आ रही है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर, ये मैंने गरम मसाला पीस लिया था, कूट लिया था बल्कि, तो वो डाला है जो आपको दिखाया था अभी। और इसमें मैंने आलू डाल के साथ ही इसकी भुनाई करी है। देखें कितनी खूबसूरत शक्ल आ गई और खुशबू गर्म मसाला डालने के बाद और यम्मी सी आ रही है, मज़ेदार सी आ रही है। और जी जनाब यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छे से गर्म मसाला पीस गया है मेरा, और जब एंड पे मैं थोड़ा सा डालूंगी और अच्छी तरह पीस लूंगी और खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। होममेड गरम मसाले की तो बात ही कुछ और है। तो हम ज़्यादातर घर का ही बना हुआ इस्तेमाल करते हैं गरम मसाला, कोशिश होती है, कोशिश नहीं बल्कि बाहर का खुशबू होती नहीं है बाहर के मसाले में। तो ये ज़बरदस्त, और आलू गोश्त में जब तक गरम मसाला ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। इसके साथ ही देखिए हमने इसमें डाल दिया है पानी यानी कि शोरबा छोड़ दिया है, और ये अब थोड़ी देर पकेगा। आलू मैंने आपको बताए थे हमने थोड़े से गला लिए थे, अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि तब जब तक रखेंगे जब तक पूरा अच्छी तरह आलू गल नहीं जाएंगे। और हमारा चिकन काफ़ी देर से पक रहा था भुनाई में, ये वो सब कुछ करते करते तो हमारा चिकन भी तकरीबन रेडी हो गया। हम 10 से 15 मिनट के लिए भी बहुत है रखने के लिए। किचन देखे मेरा तकरीबन साफ ही है, बस थोड़े से बर्तन हैं सिंक में वो धोएंगे, बाकी ऐसा नहीं है कि काम करते हुए गंदगी हो रही हो, अल्लाह का शुक्र साफ सुथरा। तो जी जनाब अब टाइम होता है चाय का, और ये भी हमारी चाय और इसके साथ कुछ हमारे स्नैक्स रखे हुए हैं, तो अब हम चाय पीते हैं। ये मम्मा की चाय, मेरी चाय, जो मर्जी चाय ले लो, और अब हम बनाए पीने लग गए हैं चाय। और मामा बातें कर रही हैं, मामा बातें कर रही हैं हमारे नाना अबू से, मामा अपने पापा से बातें कर रही हैं। ये देखें जी यहाँ पर हमारा खाना बन गया है, और यहाँ पर निकाल भी लिया है गर्म करके। ये रहा आलू गोश्त, ये रहे साथ उबले हुए राइस, ये रहे प्लेटें, और ये रहा हॉट पॉट, और यहाँ पर खाना बन गया। हॉट पॉट में रोटियाँ भी बन गई हैं, तो अब हम खाने लगे हैं खाना। तो जी इसी के साथ साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आप माँ बिटिया पकवान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को कमेंट करना मत भूलिएगा, हम आपके कमेंट बहुत शौक से पढ़ते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। मम्मा भी मेरे सराहने के लिए है। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठोको 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 सब्सक्राइब।